हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दो बैग्स दिखाने वाली हूं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। एंड ये दोनों बैग्स जो मैंने वहां से परचेज किया है वो बिलो 400 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला बैग जो आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बैग मुझे मिला है 389 रुपीज में आफ्टर डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज 58 रुपीज के अप्रोक्सीमेट था। सो दिस इज माय फर्स्ट बैग। एंड जो मैं आपको दूसरा बैग दिखाऊंगी दैट इज अ बैकपैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बैग आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने ग्रे कलर में मंगवाया था। एंड इसकी भी अच्छी खासी वेराइटी वहां पे थी, 5, 6 या 7 कलर्स वहां पे थे। रेड थे, ग्रीन थे, मरून थे, ब्लू थे, बहुत सारे कलर्स थे, बहुत ही अच्छे, ब्लैक भी था, तो बहुत सारे कलर्स थे। बट मुझे ये कलर ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये कलर वहां से परचेज किया। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बैग काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है। ये एक्यूरेट साइज, अगर आप ऑफिस गोइंग है या फिर आप कॉलेज गोइंग है तो उसके लिए ये एक्यूरेट साइज है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं आएगा एंड बहुत कम सामान भी नहीं आएगा इसमें। अगेन आप चेक कर सकते हैं, अगर 400 से बिलो का अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो उसके हिसाब से ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और जिसके जो डिमेरिट्स है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं, काफी अट्रैक्टिव ये दिख रहा है क्योंकि इसमें टेसल्स भी लगे हुए हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं, काफी इसका जो लुक है बहुत अच्छे से दिया गया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि साइज इसका बिल्कुल ऑप्टिमम है, बहुत ही ज्यादा छोटा या बड़ा नहीं है। अगेन ये जो इसमें बीट्स लगाए हुए हैं ना, इससे लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगेन इसमें हैंडल जो है वो आप हैंड हेल्ड भी कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शोल्डर में लटकाना चाहे तो शोल्डर के लिए भी यहां पे दे रखा है, तो आप शोल्डर में भी लटका सकते हैं। नाउ बैग की क्वालिटी 400 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है। मैं ये आपको नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छी है, बट यस 400 के हिसाब से दिस इज गुड। नाउ आप देखिए, पीछे भी एक जिप दिया हुआ है जो कि सही है, अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं, बट कॉइन्स या कुछ नोट्स पेपर्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गई पीछे की बात। यहाँ पे अभी तक टैग लगा हुआ है जो मैंने निकाला नहीं है। इसमें प्राइसेस का 2000 लिखा है, 1999, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस 1999 होगा, क्योंकि ठीक है 1000 तक में भी इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं, बहुत ये कोई रंजनी कंपनी फैशंस की तरफ से है, बट 300 में ये बैग मिलना दिस इज गुड। मतलब बिलो 300 समथिंग था ये। आप इसे खोल के भी देखो तो मैं आपको अंदर से दिखा देती हूं, ये आप चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेशियस है ये, बहुत सारा सामान आपका इसमें एक ही बार में आ सकता है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसका बेस जो दिया हुआ है ये भी काफी फर्म है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसका बेस भी, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है इसकी। नाउ इसकी जो अच्छी बात नहीं लगी वो मुझे ये लगा कि कपड़ा जो इसका मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है वो सिर्फ लाइक 400 वाला जो मटेरियल होता है उसी के हिसाब से बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बेकार नहीं है। नॉर्मल जिसमें आप 400 में एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से है, या फिर 400 से थोड़ा बेटर क्वालिटी है, मैं ये भी कह सकती हूँ। बट इसकी जो स्मेल है ना बैग की, कुछ आई डोंट नो व्हाई बट कुछ स्मेल आ रही है जो कि मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, एक थोड़ी वियर्ड स्मेल है इसकी, तो ये चीज मुझे थोड़ा ज्यादा इसका पसंद नहीं आया। अदरवाइज दिस बैग इज गुड, दिस इज लुकिंग गुड, तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑप्शन, अब मैं आपको अपना सेकेंड ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकेंड ऑप्शन जो फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया। ये आफ्टर डिलीवरी चार्ज मुझे पड़ा था 341 रुपीज में। तो इसके भी बहुत सारे कलर्स वहां पे अवेलेबल हैं एंड इसकी रेटिंग भी फ्लिपकार्ट पे अच्छी है, तो मैंने ये परचेज किया। जब ये मेरे पास आया तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया 341 रुपीज के हिसाब से दिस इज गुड, अच्छा मटेरियल है इसका, लेकिन 300 रुपए वाला जो मटेरियल होता है उससे अच्छा है। बट चलिए मैं पहले अच्छी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसकी कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अच्छी बात में ये है कि इसका मटेरियल इज गुड, अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी ये फटने वाला मटेरियल नहीं है एंड थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट ये लग रहा है। अगेन इसमें बहुत सारे जिप दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये पहला जिप है। इसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा स्टनिंग बनाया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ ये दूसरा है। कॉलेज गोइंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है,
और आप इसे पीछे करोगे तो पीछे भी आप चेक कर सकते हो, हैंडल बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका, ये टांगने के लिए भी एक है यहाँ पे, और यहाँ पीछे भी अच्छा खासा जिप दिया हुआ है। ओके नाउ अगर आप देखो तो इसमें भी इसके अगेन दो जिप दिए हुए हैं, एक यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, अंदर भी कुछ रख सकते हो, एंड इसमें छोटा जिप भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी आप कुछ चाहो तो रख सकते हो, एंड बहुत सामान इसमें आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गई इसकी अच्छी बात, चीज का मटेरियल अच्छा है, इसका लुक अच्छा है, 300 रुपए में मिल रहा है, और क्या चाहिए कॉलेज गोइंग गर्ल्स को। बट इसका भी जो मैं आपको डिमेरिट बताऊं कि ये सिर्फ 300 रुपीज के टाइप में ही अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसी टाइप का ये प्रोडक्ट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा खराब नहीं है प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट है, डेली यूज के लिए ठीक है कुछ दिनों के लिए, और इसमें से भी एक अजीब सी वियर्ड स्मेल आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो सिर्फ यही एक डिमेरिट है इसका, अदरवाइज जो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखाए हैं डेली वेयर के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने ये बहुत ही ज्यादा आराम से चलेगा, एंड आप अच्छे से अगर यूज करोगे तो उससे भी ज्यादा ये चल सकता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।